हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज पावर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, इसमें हमने अभी तक देख लिया है कि पावर्टी जो है ना केवल नेशनल लेवल पर बिटवीन द स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, किसी स्टेट में रिड्यूस हो चुकी है काफ़ी तेजी से और किसी स्टेट में स्टिल इट्स एग्जिस्ट, ना केवल एग्जिस्ट नेशनल लेवल से काफ़ी हाई रेशियो है ना। और वहीं हमने देखा था कि किस तरीके से पावर्टी जो है ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, बट इसमें भी हर कंट्री का परफॉर्मेंस अलग अलग था, है ना। कुछ कंट्रीज में पावर्टी बहुत तेजी से रिड्यूस हुई लाइक चाइना, है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी काफ़ी तेजी से पावर्टी रिड्यूस हुई। वहीं कहीं पर कुछ पावर्टी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया लाइक लैटिन अमेरिका, सेम बनी हुई थी, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर पहले पावर्टी नहीं थी लेकिन फिर पावर्टी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई, रीसरफेस हो गई उन कंट्रीज में पावर्टी, लाइक रशिया, है ना। और यूनाइटेड नेशन का एक गोल है कि 2030 तक दे ट्राई कि भाई पूरी कंट्री से पावर्टी रिड्यूस हो जाए, और उसके लिए उन्होंने कितना लेवल जो है वो सेट किया है, दैट इज $1.90 पर पर्सन पर डे इनकम होनी चाहिए। इनकम होगी तभी तो इतना खर्च करेंगे ना अपने ऊपर, तो कम से कम इतनी इनकम हो कि डॉलर 1.90 पर पर्सन अपने ऊपर पर डे खर्च कर सके। ठीक है, तो ये पावर्टी क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा इंडिया में पावर्टी है, What was the causes of the poverty? ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? Causes of poverty, है ना, in India. कि इंडिया में पावर्टी क्यों है? There are so many causes of poverty in India. सबसे पहले तो हम बात करते हैं शुरुआत से ब्रिटिश रूल में, है ना। ब्रिटिश रूल जब तक इंडिया में नहीं आया था उससे पहले तक तो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, अ गोल्डन बर्ड, है ना, ये गोल्डन बर्ड कहलाती थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेडर्स वो इसीलिए आते थे कि यहाँ से ज़्यादा वेल्थ लूट करके ले जा सके, है ना, आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में। और ब्रिटिशर्स भी इंडिया इसीलिए आए थे फॉर डूइंग द ट्रेड, है ना, और इंडिया से ज़्यादा वेल्थ को अर्न कर सकें, कमा सकें। लेकिन फिर तो वो धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकली यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, और पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने के साथ साथ इंडिया को धीरे धीरे इकोनॉमिकली वीक करना भी शुरू कर दिया। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी केवल उन्हीं चीज़ को यहाँ पर ग्रो किया गया और बाकी चीज़ों को यहाँ पर ग्रो नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंडिया बहुत बुरी तरीके से पावर्टी से, मींस पावर्टी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो गई। दे वॉन्ट द रॉ मटीरियल, इंडिया में केवल रॉ मटीरियल चाहिए था उन्हें, एग्रीकल्चर नहीं होती थी ब्रिटेन में, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है आर्टिक सर्कल के पास में, तो वहाँ एग्रीकल्चर कहाँ से होगी, वहाँ तो ठंड पड़ती है बहुत अच्छी, तो वहाँ कोई ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती थी, बहुत स्मॉल लेवल पर एग्रीकल्चर होती है, तो वहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है ना, तो वो यहाँ से जितना भी हो सकता था रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके अपने कंट्रीज में ले जाते थे। अपनी कंट्रीज में उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी और इंडिया में वही इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे करके उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो जो लोग डिपेंडेंट थे ऑन द इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज वर्कर्स, धीरे धीरे उनकी कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल आप पढ़ते ही हो कि किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रियून कर दिया, और उसके बदले उन्होंने अपना मैनचेस्टर और लिवरपूल में बना हुआ कपड़ा ला करके इंडिया में सेल करना शुरू कर दिया,
तो इस वजह से इंडिया में पॉपुलेशन सॉरी जो पॉवर्टी थी वो बहुत तेजी से स्प्रेड हुई, और यही वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ना शुरू हुई। अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और काम कुछ भी नहीं है, काम वही एक एग्रीकल्चर है जिसके भी वो बहुत ही कम प्राइजेस में उसको खरीद रहे थे और फिर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर देते थे, है ना। तो पॉवर्टी जो है वो काफ़ी इंडिया में स्प्रेड होना शुरू हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने कोशिश की टू ओपन सो मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कई सारी पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओपन तो की गई, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सबको कंज्यूम कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो ओपन तो हुई बट दैट वॉज नॉट सफिशियंट टू कंज्यूम ऑल द पॉपुलेशन, ऑल द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन दैट इंडस्ट्रीज, है ना। और अब जो लोग माइग्रेट होकर के विलेजेस से सिटी की तरफ आ गए इन सर्च ऑफ जॉब, और वो वापस विलेज भी जाके क्या करें, विलेज में कौन सा उनके पास कोई जमीन है या घर वार है या कुछ है, तो अब यहाँ पर क्योंकि वो शहरों में आ गए थे, शहरों में वो छोटे मोटे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, रिक्शा चलाना है या एज अ वर्कर काम करना है, कैजुअल वर्कर हैं, लेबरर्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, ठीक है, इस तरह के काम करने शुरू कर दिए। अब इन कामों में उनके पास इनकम तो बहुत ही कम हो रही थी, तो फिर वो अपने लिए एक आउटस्कर्ट एरिया में कच्चे घर बना के रहने लग गए, झुग्गी झोंपड़ी टाइप, है ना, जो चॉल्स हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी का पूरा एक जाल बिछा हुआ है शहरों में बीच बीच में देखने को मिलता है, ये इसी वजह से है। कहाँ जाएंगे, किराए के मकान लेने का पैसा नहीं है, इतनी तो इनकम ही नहीं हो रही, तो फिर उन्होंने वहीं पर ही अपने लिए कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए और उसमें रहना शुरू कर दिया, झुग्गी झोंपड़ी इसमें रहना शुरू कर दिया। तो ये जो रीजंस थे दैट वाज द मेजर रीज़न इन द इंडिया टू स्प्रेड द पॉवर्टी। फिर लैंड रिफॉर्म मेजर किए, गवर्नमेंट ने लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट की, बट सबको लैंड मिल पाना भी पॉसिबल नहीं था, पॉपुलेशन काफ़ी हाई, लैंड तो लिमिटेड ही है, बल्कि लैंड धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि उसी लैंड पर हम क्या करेंगे, अपने रहने के लिए घर बनाएंगे, अपने लिए इंडस्ट्रीज बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहीं फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, लैंड लिमिटेड है, तो लैंड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी इतना प्रॉपर और इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर लैंड मिल सके या हर व्यक्ति ओनर बन सके लैंड का, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, सब्सिडी भी थी, इतना सब कुछ करने के बाद भी पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, हाँ थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो गई पॉवर्टी, जो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया में पॉवर्टी को स्प्रेड कर दिया था वो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिड्यूस होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज, ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हैं पॉवर्टी के, देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। है ना, नंबर ऑफ कॉजेज में सबसे पहला कॉज क्या रखेंगे हम, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इंडिया में पॉलिसी चलाई थी, कौन सी पॉलिसी थी, दैट वाज कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रियून करने की, ठीक है। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल government reowned, this is I है ना, ठीक है, reowned traditional handicraft and discourage the development of
discourage the development of industries like textile industry. ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही इन्होंने सबसे पहले और सबसे बुरी तरीके से खत्म किया था, रियून कर दिया था, है ना। इंडिया का बना हुआ कपड़ा जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस था, उस कपड़े की पूरी तरीके से इन्होंने डिमांड धीरे धीरे खत्म कर दी थी, क्योंकि इंडियन कपड़ा जो था हैंडीक्राफ्ट था ना, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बना हुआ, तो दैट वॉज मच एक्सपेंसिव कंपेरेटिव टू द मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स को उन्होंने सेम नकल करके, सेम इमिटेट करके इन्होंने मार्केट में लाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट कपड़ा था उसका प्राइस बहुत हाई लगने लग गया और मशीन मेड प्रोडक्ट का प्राइस उसके कंपैरिजन में काफ़ी लो हो गया, और लोग कंपैरिजन कर रहे थे, तो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट कपड़ा काफ़ी महंगा था तो यहाँ पर मशीन मेड कपड़ा लिया जाने लगा, और धीरे धीरे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो था इंडिया का, जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश था एट दैट टाइम ब्रिटिश रूल के समय, बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी, वो पूरी की पूरी तरह रियून हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये ख़त्म होने की वजह से काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और अब जो अनएम्प्लॉयड हो उनके लिए यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना। क्या हुआ यहाँ पे, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ, है ना, लो ग्रोथ रेट इन इनकम। ठीक है, इनकम काफ़ी कम होने लग गई, लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं रहा, जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में लगी हुई जो बहुत सारी पॉपुलेशन थी उसको कहाँ एम्प्लॉय किया जाए, और ब्रिटिशर्स को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि भाई किसको कहाँ पर एम्प्लॉय करना है नहीं करना है, ये लोग भूखे रहेंगे या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो सब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम नहीं थी। उनके हिसाब से उनके लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो होना ज़्यादा ज़रूरी था, रॉ मटेरियल उनके लिए इम्पॉर्टेंट था वो होना ज़रूरी था, उनकी इनकम कंटिन्यू आ रही थी, दैट वॉज सफिशियंट फॉर देम। ठीक है, इसके बाद जो है पॉपुलेशन इसी समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, दिस वॉज अकंपनीड by high population, high population growth, ठीक है, at this time इसी समय में population growth भी बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी तेज़ी से population बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जॉब नहीं है, पुरानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उन्होंने डिस्करेज कर दिया, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की इट वाज अनएम्प्लॉयड एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, और ब्रिटिशर्स रूल था, दैट वॉज द कॉलोनियल टाइम पीरियड एट दैट टाइम, तो कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी थी जिसमें कि केवल वो अपने बेनिफिट के लिए ही लोगों को जॉब दे रहे थे, एज सच की पॉवर्टी रिड्यूस करना उनका मेन एम नहीं था, या इंडिया का डेवलपमेंट करना भी उनका कोई एम नहीं था, उनका एम क्या था, अपना डेवलपमेंट करना, अपने हिसाब से चीज़ों को लगाना, तो यहाँ पर जॉब जो थी वो बहुत ही कम थी, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से
इनकम नहीं होने की वजह से पावर्टी काफी हद तक इंडिया में स्प्रेड हो चुकी थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश रूल से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है ना, न्यू गवर्नमेंट बनी इंडिया के अंदर, और न्यू गवर्नमेंट जो बनी उसने देखा कि इंडिया की 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनके पास कोई काम नहीं है, प्रॉपर इनकम नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बनाना शुरू किया जिससे कि इस पूरी पॉपुलेशन को प्रॉपरली एम्प्लॉय किया जा सके है ना। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि फूड ग्रेन ग्रो करना, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन ग्रो करना जिससे कि कंट्री फूड ग्रेन में सफिशियंट बन सके, हर एक पॉपुलेशन को खाने के लिए मिल सके है ना भाई। जब फूड ग्रेन ग्रो होगा तभी तो कंट्री की पॉपुलेशन को खाने के लिए मिलेगा, अदरवाइज वही फूड ग्रेन बाहर से क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर फूड ग्रेन को ग्रो करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम चलाया गया कि फूड ग्रेन ग्रो हो। अब फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए पीपल नीड प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम ऑल्सो, तो फिर इरीगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है ना, उनके लिए सीड्स पर और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, दैट वॉज नॉट सफिशियंट, बट ये जो हुआ वो काफ़ी हद तक, जैसे हमने देखा ना पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी रिड्यूस एग्रीकल्चर की वजह से ही हुई थी, तो इस चीज़ का फ़ायदा इन कुछ स्टेट्स ने उठाया और वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई, बट बाकी स्टेट्स सभी जगह इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा लोग नहीं उठा पाए, या कह सकते हैं कि पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया और वहाँ पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई। ठीक है, विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन है ये, ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड created in agriculture field. Agricultural field, but है ये, but it was limited limited to some parts, ठीक है, कुछ ही parts में limited होकर रह गई, सबको इसका पूरा फायदा नहीं मिला, कहीं कहीं पर ही, जैसे हम देख रहे हैं ना पंजाब हरियाणा का example, तो वहां पर इसका पूरा फायदा उन्होंने लिया poverty reduce करने में, but अदर स्टेट दे वर अनेबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी, या कह सकते हैं ये पूरी पॉलिसी पूरी तरीके से उनके पास पहुंची नहीं। ठीक है, फिर इंडिया ने कई सारी इंडस्ट्रीज शुरू की, नॉट ओनली द पब्लिक बट प्राइवेट ऑल्सो, कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी परमिशन दी ओपन करने की, जिससे क्या हो इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके। ठीक है, बट ये जो भी इंडस्ट्रीज शुरू हुई आइदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, ये सफिशिएंट नहीं टू कंज्यूम ऑल द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी शुरू की गई, द इंडस्ट्रीज
did not provide sufficient jobs these were not enough to consume all job seekers. ठीक है, सफिशियंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पाए. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड तो की, काफी हद तक प्रोवाइड थी, लेकिन सभी जॉब सीकर्स को नहीं प्रोवाइड कर पाई. तो यहां पर एग्रीकल्चर के थ्रू और इंडस्ट्रीज के थ्रू काफी हद तक पॉपुलेशन एम्प्लॉय हुई, बट सभी नहीं हो पाए. लेकिन इन इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन विलेजेस से टाउन की तरफ, सिटीज की तरफ मूव होना शुरू हो गई. ठीक है, अब क्योंकि वो शहरों में आ गए हैं एंड दे डिड नॉट गेट द जॉब, जॉब नहीं मिली है, विलेज में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर भी उन्हें पूरी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज और एग्रीकल्चर का फायदा नहीं मिला है, तो वो रिटर्न भी नहीं हो सकते. तो क्या किया जाए? ठीक है, तो दे स्टार्ट लिविंग इन द सिटीज ओनली. किस सिटी में ही रहेंगे और क्या करें? सिटी में रहेंगे और जो भी काम मिलेगा वही कर लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि प्रॉपर जॉब्स नहीं मिली है ना. प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलने की वजह से अब वो चाहे वो रिक्शा पुलर बने हो, चाहे वो कैजुअल लेबर्स बने हो, या वो डोमेस्टिक सर्वेंट बने हो, या वो ठेला लगा रहे हैं कहीं पर, हॉकर्स बन गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट दे अनेबल टू रिटर्न बैक टू देयर होम. वापस कैसे चले जाएं? क्योंकि फैमिली के साथ हो तो जॉब की पर इच्छा से कि भी जॉब मिलेगी, इंडस्ट्रीज खुली हैं, शहरों में आ गए बट अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर, लेबर, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी काम मिल रहा है वही काम कर रहे हैं. और ये जो काम मिल रहा है रिक्शा पुलर, लेबर या डोमेस्टिक सर्वेंट का, दैट इज नॉट सफिशियंट टू लिव देयर लाइफ प्रॉपरली, है ना. रहने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने को जितना कमा पा रहे हैं दैट दे कंज्यूम इन देयर फूड रिक्वायरमेंट. तो फिर अब क्या किया जाए? दे स्टार्ट लिविंग इन द स्लम्स. ठीक है, इधर उधर स्लम्स में रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने. ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिससे पावर्टी बढ़ रही है, पावर्टी प्रॉपरली खत्म नहीं हो पा रही, दैट इज द कॉजेज ऑफ पावर्टी. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्योंकि पावर्टी को रिड्यूस करना है, लैंड रिफॉर्म सिस्टम शुरू किया एंड लैंड को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द लैंडलेस लेबरर्स. हमने देखा था ना भूदान ग्रामदान,
ये सिस्टम्स चले थे तो गवर्नमेंट ने अब जमींदारी सिस्टम और ये सारे सिस्टम्स को हटा दिया है ना, और जो लैंड थी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल उस लैंड को पुअर पीसेंट्स में या लैंडलेस पीसेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिर से शुरू हुआ, बट दैट वॉज नॉट प्रॉपरली एंड नॉट द सफिशियंट है ना। क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली ठीक है, ना तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई और इतनी इफेक्टिव भी नहीं हुई कि यहां पर सभी व्यक्तियों को जो है वो लैंड प्रॉपरली मिल जाए जिसको जरूरत है। जितनी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकी हो गई, बाकी लोग फिर देवर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पा रही थी। इसमें एक रीजन है सोशो इकोनॉमिक रीजन। सोशो इकोनॉमिक मीन सोसाइटी में हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो पा रहा था, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो पाए। हमने देखा था ना वल्नरेबल ग्रुप थे ये, दीज वर द सोशल वल्नरेबल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पा रही थी। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स also responsible for poverty, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, बट क्योंकि सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि भाई हम सोसाइटी के कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप को आगे नहीं जाने देंगे है ना, बिकॉज देवर बैकवर्ड कास्ट और द बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहने चाहिए, उन्हें नहीं है राइट कि वो आगे आए। तो यहाँ पर उस वजह से भी पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर हम देखें जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स भी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्हें हर बार नेक्स्ट सीजन के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है टू सो द सीड्स, टू अवेल द प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी, टू रिपेयर द टूल्स एंड ऑल, तो दे नीड द मनी। और वो जब मनी उन्हें नहीं, अब खुद से अरेंज नहीं हो पाती तो क्या हो जाता है, देवर ट्रैप इन द डेबिट डेट नेस है ना, उन्हें इधर उधर से उधार लेना पड़ता है और वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो लैंड या तो उन्हें सेल करनी पड़ती है या फिर पूरी जिंदगी वो उस उधार को चुकाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ रीजंस हैं दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया में स्टिल एग्जिस्ट है। वी होप कि जल्दी ही पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। दैट एंटी पॉवर्टी मेजर्स दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय।